गणपति से ही मतलब जल्दी जल्दी आइए मानव हाउ आर यू आज आज थैंक यू जी बर्थडे के दिन ये कहना चाहूँगी कि मुझे एक साल अपना और बर्थडे मना के बहुत खुशी हो रही है एंड आई होप कि हम ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ हर साल बर्थडे मनाते रहे ऑलवेज आपको दिख रहे हैं मेरे जूते आपको दिख रही है मैंने ड्रेस शॉप करी आई लव शॉपिंग और बर्थडे से पहले आपको एक और बहाना मिल जाता है बर्थडे शॉपिंग करने का कुछ नहीं रवि ने ऐसे मैं कपड़ों के मामले में बिल्कुल मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा टेस्ट इसको बिल्कुल समझ नहीं आता कपड़ों के मामले में सो इट नेवर वर्क्स मैं ये बोल सकता है हां बेबी ये ठीक है चलो अच्छा दिस इज नाइस सो वी कैन गो विद दिस अब तक का जो बेस्ट बर्थडे रहा आपका वो शेयर कर सकते हैं जो रवि ने आपको सरप्राइज किया या वो हर साल मेरे लिए मेरे बर्थडे पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ तक जाता है तो आई थिंक एवरी ईयर मेरा बर्थडे और बेटर होता जाता है एंड दिस ईयर विल बी माय मोस्ट फेवरेट ईयर अगले साल मेरा मोस्ट फेवरेट ईयर होगा अच्छी लग रही थी बहुत अच्छी लग रही थी और ये अच्छी लगती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ जाऊंगा एक पार्टी में जो अच्छी लग रही है यू नो सो नो शी इज आई सेड दैट शी इज द वन हु मेक्स द लुक द क्लोथ्स लुक ब्यूटीफुल सो शी वाज लुकिंग लवली एंड इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग जी Yeah, they made some happy birthday Sargun trending two days before my birthday also and you know they put in so much time so much effort and thank you so much so Always. So much we love you hum aapse hi hain to apni dua hamare sath banaye rakhiye so obviously यार आई गॉट फ्लावर्स फ्रॉम द यू एस और कल ही मुझे मेरे फ्रेंड ने फोन करके कहा वो यू एस से किसी लड़की ने भेजे हैं किसने डू नो द नेम समबडी फ्रॉम द यू एस सेंट मी फ्लावर्स एंड केक मैं सुबह से पूछ रही कौन है मैंने लाइक कि आपको किसी ने वहाँ से भेजा ना हमने करे यार इतनी एफर्ट करते हैं रवि को इंडोनेशिया में लोग केक और फ्लावर्स दे रहे थे मेरे बर्थडे के लिए रियली सो इन जकार्ता ऑल्सो लोग जो है मैं कुछ पाँच छः दिन के लिए वहाँ पे था and there is so much love in people's hearts तो उनको पता था मैंने छोटा सा एक सेलिब्रेशन भी किया था वहाँ के एक शो में सरगुन के बर्थडे का तो जिस तरीके से दे केम बैक विद गिफ्ट्स एंड केक्स एंड गॉड नोज व्हाट नॉट एंड सो वी जस्ट वेरी 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 लकी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव ऑल दीज पीपल जो हमें शायद रूबरू नहीं हुए हैं हमारे साथ हमें जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और वो जो अच्छा सोचते हैं वो हम तक पहुँच जाता है और वो कुछ ना कुछ बरकत बन के हमारी ज़िंदगी में आ जाता है वेल हमारे जो गैंग है हम हमेशा पागलपंती करते हैं तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड आई मेक इट अ पॉइंट टू कम फॉर रवि एंड सरगुन्स पार्टीज ऑलवेज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी गुड पीपल दे आर वेरी गुड होस्ट वो अपने गेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं एंड दे बोथ वेरी गुड ह्यूमन बींग्स आई लव देम यस मैं कभी खाली हाथ नहीं आती हूँ वेल लेकिन मैंने उसको यू नो वाउचर दिया सो दैट यू नो शी कैन शॉप टू अ हार्ट कंटेनर और व्हाटएवर शी वांट्स टू पिकअप अपने चॉइस का वो पिकअप कर सकते हैं ओ यू नो आई एम नोन टू गिव द बेस्ट गिफ्ट्स मैं हमेशा थॉटफुल हूँ और मैं सबके लिए सोचती हूँ तो इनफैक्ट आई थॉट यू नो उसको शॉपिंग बहुत पसंद है तो वो अपनी चॉइस तक कुछ भी उठा सकती है बट ऑब्वियसली मैं बहुत प्लानिंग पहले से ही करती हूँ वेल इट्स स्काई डेक इट्स अ पूल पार्टी दैट्स वाई मैंने ब्लू पहना है एंड ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड इट्स अ ब्यूटिफुल वेन्यू एंड इट्स ओन्ड बाई आर फ्रेंड यूनी चिराग सॉरी या हैप्पी बर्थडे सरगुन द मोस्ट वाइब्रेंट एंड बबली गर्ल कीप स्माइलिंग लॉट्स ऑफ स्माइल्स लॉट्स ऑफ सनशाइन कमिंग योर वे साथ में है क्या देना चाहिए और कितना
उसके लिए हमेशा बेस्ट विशेज ऑलवेज. शी इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल. वो एक्चुअली बिल्कुल बड़ी हुई नहीं है, सिर्फ एज नंबर बढ़ रहा है उसका, बट अदरवाइज शी इज स्टिल द सेम. जो उसको मैंने 2010, सो आई हैव नोन हर सिंस 2010, 7 साल से जानता हूँ उसको मैं, और वो वैसी की वैसी है, दिल की उतनी साफ है, और हैप्पी गो लकी एंड ऑलवेज रेडी टू हैव फन. क्या गिफ्ट प्लान किया है एक्चुअली सरगुन के लिए? शी इज़ वेरी, उसके पास सब कुछ है, शी हैज़ एवरीथिंग, एंड इट्स ओनली एंड आई एम वेरी वेरी बैड विद प्लानिंग गिफ्ट, सो आई मोस्ट प्रॉब्ली विल आस्क. इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? सो प्रॉब्ली आस्क हर एंड गिव हर अ गिफ्ट. हाँ सरगुन, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. कि सब यही पूछ रहे हैं प्रेपरेशन. आई थिंक आप सब जानते हैं सरगुन को बहुत अच्छी तरह, इसीलिए आप पूछ रहे हैं प्रेपरेशन क्या की है. सरगुन की, सरगुन और रवि के पार्टीज़ के लिए एक ही चीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए, यू हैव टू कम एम्प्टी स्टमक. यू हैव टू कम एब्सोल्युटली विद नथिंग इनसाइड यू, सो दैट यू कैन इन्जॉय योर सेल्फ, यू कैन ईट, यू कैन ड्रिंक, यू कैन हैव अ गुड टाइम, एंड दैट्स माई प्रेपरेशन. That's right. Loose dress actually इसलिए भी पहना मैंने, because it's really hot and I thought of changing, I thought of wearing something else, but it's very humid and I'm a shoot से आ रही हूँ, so you know I just wanted to be comfortable and easy and not made. And I think when you're with your people, you know Ravi Sargun, they're my people, so I feel like there's no need for me to make an effort. It's not like I'm meeting them once in a blue moon. Oh, feeling nahi aayi. So yeah, it's I'm just here for my friends and I'll be very happy sitting in one corner with them. Sargun ke liye gift main usse puchungi, because by God's grace she has everything and I hope that she always has everything, but I'm going to ask her what she wants. I think I want some of her stuff. Sargun, mera birthday aane wala hai in about 10 days. मैं आई हूँ यू इस जगह पे पहले, चिराग की जगह है, इट्स रियली नाइस और हमेशा बहुत मज़ा आता है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सरगुन, हैप्पी बर्थडे, आई विश यू ऑल ऑफ लाइफ सक्सेस एंड आई विश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. स्टे द पर्सन दैट यू आर, यू फॉलो अ लाइफ ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड आई विश यू सो मच लव, सो मच मोर. मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता चला था फ्रॉम द टीम कि मुझे अवार्ड वोट्स के बेसिस पे मिला है, नॉट बिकॉज यू नो ऑफ एनी अदर रीज़न, एंड दैट मेड मी रियली रियली हैप्पी. इट्स अ ग्रेट फीलिंग व्हेन यू नो दैट समथिंग, सम रिवॉर्ड यू आर गेटिंग इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ यू नो पीपल आर वोटिंग फॉर यू एंड दे रूटिंग फॉर यू, सो इट फील्स रियली गुड. आई एक्ट फॉर एन ऑडियंस, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे अप्रिशिएट मी, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम डीपली हम्बल्ड एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट यू, यू गाइज लाइकिंग मी, प्लीज कीप लविंग मी बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप एंटरटेनिंग यू ऑलवेज, दैट्स इट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जानी दुश्मन आए हैं सरगुन की पार्टी में, ये सरगुन हैप्पी बर्थडे टू यू. बहुत प्रिपरेशन की है सरगुन की बर्थडे के पार्टी के लिए, मैं स्पेशली शॉपिंग गई हूँ तो लुक तो भैया और हर चीज़ ब्रांडेड है जो मैं पहन रही हूँ, और या आई मीन इट्स द इवेंट ऑफ द ईयर, सो आई हैड टू लुक लाइक दिस. मैं लोखंड वाला गया था, इग्नोरिंग मी, आज आपने नहीं, कोई प्रेपरेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्टी, वी आर हियर टू हैव फन, विश सरगुन
एंड दैट्स अबाउट इट. पार्टी के लिए इतनी प्रेपरेशन नहीं करनी होती है, कपड़े पहन के गाड़ी में बैठना होता है, एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी डू. लव, द गिफ्ट ऑफ लव. देखो मैं गिफ्ट ऑनेस्टली आई डोंट गिव पीपल गिफ्ट एंड आई डोंट इवन लाइक रिसीविंग इट. ये मैं बहुत लोगों से कह चुकी हूँ. देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु नीड गिफ्ट, हु नीड मनी, हु नीड थिंग्स, एंड अगर ऑल ऑफ अस पुट इन आवर मनी टुवर्ड्स दैट, दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस. ओह ये तो आपने बताया मुझे, मुझे पता ही नहीं था कि पूल साइड पार्टी है. ओह वाह, ये तो पार्टी है. शगुन ने ये भी कहा है कि अगर हम पहुंच पाएंगे वहां तक तो जरूर पार्टी कर पाएंगे. मेरे को लग नहीं रहा कि वहां तक पहुंच पाएंगे. सरगुन को ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स रवि विल गो आफ्टर हर. फिर जितने और लोग कूदेंगे मुझे नहीं पता, मैं तो भारी हूँ. शगुन ने ये कहा है कि जो उनकी तारीफ नहीं करेगा वो उन्हें फेंक देंगे. अच्छा ओ, तो हमने तारीफ की है यार. मतलब हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे, अब यहाँ तो कर ली है, वहाँ ऊपर जाके मतलब आई विल से एवरी प्रेज इन द बुक फॉर सरगुन. सो आई एम नॉट इन द पूल. Wish you a very, very happy belated birthday now, Zargun. May you get all the happiness in the world. You're a wonderful person and may wonderful things happen to you. We love you. Bye. So easily give all this round of interviews. Nice picture. No, no. Jaldi. Aa gaya. Aisa thodi hota hai. कोई प्रेपरेशन नहीं की है यार. किसी के बर्थडे के लिए प्रेपरेशन थोड़ी ना होती है. यू जस्ट वांट टू कम एंड विश देम ऑल द बेस्ट. एंड बहुत सारा प्यार लेके आई हूँ. सरगुन को बहुत सारा प्यार दूंगी क्योंकि बहुत प्यारी लड़की है. आई एम नोन ऑफ अ वेरी लॉन्ग और इतनी उम्मीद करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रही. और मोर देन दैट आई विश योर सक्सेस, लव एंड हैप्पीनेस. और जिस तरह से रवि और सरगुन का प्यार है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऐसे ही रहे. बिल्कुल नहीं किसी को फेंकूंगी ताकि कोई मुझे ना फेंके. तो आई डू वांट टू अदर्स व्हाट आई वांट देम टू डू टू मी. मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे ऊपर क्या होने वाला है. दैट्स ऑल. डीआईडी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है ना नाता है, लेकिन सुपर डांसर आ रहा है 30th of September. प्लीज़ वॉच इट एंड इन्जॉय. बच्चे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो प्लीज़ देखिएगा. आई लव यू सरगुन, गॉड ब्लेस यू. और आप जिस तरह से नाम कमाती जा रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ. आप और तरक्की करें. गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू वेरी 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 मच. थैंक यू. क्या कर रहे हो? थैंक यू. बाय. कोई शॉपिंग नहीं है हमने. मैं तो आई वॉज रेडी टू वेयर दिस ड्रेस. आई वॉन्टेड टू वेयर दिस ड्रेस ऑफ माइंड विच आई हैव डिजाइन एंड ग्रेट ओकेजन है. वी बोथ आर वेरी फॉन्ड ऑफ सरा विंग. सर इज इट अ पूल पार्टी? अच्छा अच्छा. आई हैव नो आईडिया अबाउट. आई हैव नो आईडिया अबाउट दैट. ओके सो आई होप आई एम ड्रेस्ड राइटली फॉर द थीम. या शी इज. आई एम नॉट. मैं तो हुड में आया हूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था. बट पूल में नहीं जाएंगे, बाहर से हम लोग टहलते हुए निकल जाएंगे. I'll push him in the pool. Yeah, and I'll pull her with me. मैंने तो बोल दिया ना कि वो बहुत सुंदर सर, सबसे प्रिटी लड़की है एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हर. एंड एंड विश सरगुन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. यार हमने इतनी सारी शॉपिंग की कि हम कोऑर्डिनेट हो गए एंड वी डिसाइडेड दैट वी शुड मैच एंड ब्लैक इज अ कलर फॉर टुनाइट एंड वी बोथ आर लुकिंग फैंटास्टिक. यार उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है. आई थिंक शी इज गोना लव इट एंड वी जस्ट विश हर अ ग्रेट 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 नाइट अहेड. और इसका बर्थडे है. बर्थडे एक्चुअली पहले हो गया लेकिन पार्टी आज कर रहे हैं, तो इट्स गोना बी अ क्रेजी नाइट टुनाइट. वी विश दैट वी हैव अ फन पार्टी टुनाइट. यस. सरगुन को सबसे पहले पूल में फेंकेगी बिकॉज इट्स अ बर्थडे, सो वी माइट एज वेल जस्ट यू नो पुश हर टू द पूल.
देखो वो सब ने ज़्यादा सबके सब तारीफ तो उसकी करेंगे, लेकिन मुझे लगे कि सबसे सब उसको पहले पूल में गिराएंगे खुद गिरने से पहले। Sargun, happy birthday. Hope you have a great year ahead, and I wish you a lot of blockbusters in the coming year ahead. Thank you. सरगुन के बर्थडे के लिए मेरे हिसाब से रवि ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की थी। यू हैव टू सी हिज मैसेज। जब रवि का मैसेज आया, इतना सुंदर मैसेज था, मुझे लगा इन दोनों कपल, इस कपल को फ्रेम करके कहीं पे रखना चाहिए। तो आई एम श्योर सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन रवि ने की होगी। उसके इनवाइट पे जब मैंने सरगुन को भी देखा, मैंने कहा वाओ ये बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तो हाँ वही है, हम तो चिल होने आए हैं। आई डोंट नो एट सम पॉइंट मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कोई ना कोई पूल में धक्का मुक्की करने लगा। यू नो विल बी जंपिंग इन द पूल एट द एंड ऑफ इट इज़ व्हाट आई थिंक। ओ शख्स सरगुन डूड, सरगुन से क्या है ना, मेरी मुलाकात हर कुछ दिनों में होते रहती है, महीनों में दिनों में होते रहते हैं, और हम तब हैंग आउट करते हैं। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट आज सरगुन के लिए होगा कि मैं उसके चेहरे पर लाल लिपस्टिक के साथ बहुत बड़ा किस करने वाली हूँ और उसको सोशल मीडिया पर डालने वाली हूँ। एंड आई विल राइट गेस हु इट्स नॉट अ गर्ल, ऐसे कुछ कर दूँगी मैं। मैं तो ऊपर जाके पहले गिनूंगी कि कौन कौन है वहाँ पर। मेरे फेवरेट टेलीविजन शोज़ के आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी के टेलीविजन शोज़ के मेरे हिसाब से लोग होंगे। एंड एट एनी गिवन पॉइंट, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में यू नो रवि भी हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसको पानी में फेंक के देखने का मज़ा अच्छा होगा कि सबसे ज़्यादा वो अपना ब्रेथ होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। हिट हो नहीं रहा भाई, हो गया ये गोइंग अप लेवल। हाँ करेक्ट, मैंने मैंने सुना है, मैंने सुना है कि दुनिया भर में ये लाइनें फेमस होने लगी हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश भी इसके बारे में गाना गाने लगे हैं, और ये गाना अभी बारिशों के बारे में ना होते हुए लोगों के स्कूल्स के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, सैलरीज़ के बारे में, शासन के बारे में, पॉलिटिशियंस की हर चीज़। तो मुझे लगता है इसका कॉपीराइट जो मैंने दुनिया को दे दिया है, इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बेहतर चीज़ मैं, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर और म्यूजिक वीडियो इस तरह के देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स, हाँ मैं क्या है विदाउट, मैं हमेशा से गायिका थी और शायरा थी, तो क्या है कि अचानक से इस गाने की वजह से मेरा ये हुनर भी आप लोगों के सामने आ गया है। और मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं, मुझे एक्चुअली रोज़ कोई बताता है कि इसके बारे में लिख दो, उसके बारे में लिख दो, उसके बारे में लिख दो। तो प्रोसेस चालू है और इस प्रोसेस के बीच में मैं मौन व्रत धर लेती हूँ। ये तो आज सरगुन के बर्थडे की वजह से बोल रही हूँ, वरना इसलिए मैंने कहा ना कि सरगुन तुझा हैप्पी बर्थडे आज, हाय ना हाय ना, थैंक यू सो मच। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की भाई, हमारा आगमन ही हमारा उपहार है। हाँ हमारी दोस्ती आ रही है, अब इतनी प्रेम से है, इतना स्नेह है, इतना मान सम्मान है कि बस आ जाते हैं, मिल लेते हैं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनके हाल पूछ लेते हैं, हम अपने हाल बता देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास। अब मुझे पता भी नहीं पूल साइड पार्टी है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस वेन्यू पे, एंड अगर आपने बोला पूल साइड पार्टी है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नाउ। अरे मैं किसी को गिराऊंगा, मुझे गिराएगा, और मुझे गिरना है नहीं तो पंगा लूँ क्यों मैं। मैं तो कल से कर रहा हूँ यार। बताओ इनको आप, मैं तो कल से कर रहा हूँ जी। तो ये बात आपको उनको बताने वाले ऊपर जाके, आप तो ये बोलोगे ना शशांक ने बहुत तारीफ़ की है, बस यही बोलना आप। सरगुन को भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, क्रिसमस आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, भगवान उनको सारी चीज़ें दे। और सबसे अच्छी बात उसकी है कि वो जो बोलती है वो करके बताती है, तो शी इज़ प्रूविंग हर सेल्फ डे बाय डे एंड शी इज़ ग्रोइंग, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। थैंक यू सो मच। आपला मंडल आप।
यार पार्टियाँ देखो ऐसा है, मी एंड माई वाइफ वी बोथ आर टी टोटलर्स, वी हार्डली आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, मैंने ट्राई नहीं की ड्रिंकिंग, लेकिन फ्लोर पे जब मैं आ जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि शायद कुछ हो गया है इसको, सो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ डांसिंग मे बी। राइट पे हम तो ना हम गिराने वालों में से हो, ये देख रहे हो, देखो कितने मैं कितने मैं बोल रहा हूँ, मेरे राइट पे जो लोग हैं मैं कोशिश करूँगा गिराने की, हम उनमें से ना हो। ओके या ऑफकोर्स विशिंग हर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल हर फ्यूचर एंडेवर्स एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सक्सेस, एंड आई थिंक रवि एंड सरगुन दे बोथ लुक ऑसम टुगेदर एंड यस वी विश द बेस्ट फॉर देम। यार ऐसा है वो भी बता नहीं सकता ऐसे, मतलब आई थिंक जो हम लेके आए हैं साथ में बोल सकते हैं ऐसे स्क्रीन पे नहीं, मतलब ऐसे पीने शीने वाली चीज़ें हैं यार उनके लिए, आई डोंट नो इफ इट्स एथिकल टू से कि हाँ हम पीने शीने की चीज़ें लेके आए हैं उनके लिए। सो लाइक शुभ मंगल सावधान इतनी हेट गई है आयुष्मान खुराना की, क्या कहना चाहेंगे सब कुछ शुभ है, मंगल है, कुशल मंगल है, एंड टच फॉर टू फिल्म्स बैक टू बैक विच हैव डन रियली वेल, एंड जो थर्ड इस समय शूट भी कर रहे हैं हु शॉट द पियानो प्लेयर, आई थिंक वो भी बहुत अच्छे जोन में है, सो टच फॉर थिंग्स हैव बीन टोटली इन प्लेस एंड आई एम श्योर, यू नो आई ऑलवेज न्यू दैट हिज बेस्ट इज़ येट टू कम, सो वो अभी आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बेस्ट ऑफ आयुष्मान खुराना, बट आई एम श्योर आयुष भैया has a lot more bigger things to come. आपका वेब सीरीज आया उसे yeah. शो में काफी सराहा देखा गया है, या काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो क्या कहना यार यो के हुआ ब्रो जो वेब सीरीज है वूट के साथ, पांचों के पांचों एपिसोड सबने देख लिए हैं, लोग देख रहे हैं एंड काफी यू नो फोन आए मुझे, मैसेजेस आए हैं दैट दे रियली लाइक्ड व्हाट आई डिड एंड आई होप जो कुछ मैं आगे करता रहूंगा आई होप लोगों को ऐसे ही पसंद आता रहे। करंटली आई एम टेकिंग वर्कशॉप्स फॉर माई नेक्स्ट फिल्म विच इज स्टार्टिंग इन अक्टूबर, अभी नाम नहीं बता सकता, अमृतसर में शूटिंग स्टार्ट है अक्टूबर में विद अ वेरी गुड स्टारकास्ट एंड अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस एंड आई एम करंटली होस्टिंग अ शो, इट्स अ म्यूजिक रियलिटी शो कॉल्ड ओम शांति ओम ऑन स्टार भारत। थैंक यू सो मच। बिल्कुल प्रिपरेशन ही है, मैं सुबह से शूटिंग करी थी, मेरा पैकअप हुआ है एंड आई एम जस्ट वेयरिंग सम नॉर्मल पैंट्स एंड टॉप डेक विद क्रॉप टॉप। थैंक यू सो मच। सरगुन की गिफ्ट पेंडिंग रहेगी बिकॉज आई वॉज शूटिंग टुडे और मैं जा नहीं पाई थी, तो आई रियली वॉन्ट टू आस्क हर कि उसे क्या चाहिए, सो आई बिलीव इन गिफ्टिंग पीपल व्हाट दे नीड और व्हाट दे वांट। हम आ चुके हैं ऑलरेडी इस जगह पे बहुत बार एक साथ। आज किसको फूल पे फेंकने वाली हैं? मैं किसी को क्यों फेंकूंगी यार, सब अच्छे से ड्रेस होके, अगर मुझे कोई पूल में फेंक देगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड नेवर पुश एनीबॉडी इनटू द पूल अंटिल एंड अनलेस जिसको गिरना हो गिरे। She's the most gorgeous, she's the most prettiest, and she's the most beautiful soul I've ever known. I hope, Sargun, that's more than enough for you. So, last wish for Sargun. Sargun, wish you all the happiness, wish you all the success and all the love in life. Thank you so much. Yeah, sorry. No, it's okay. Bye. नहीं मेरे पास जो भी घर में पड़ा था आई जस्ट वोर बिकॉज
I'm like really busy, back to back things are happening, traveling and shooting and recording. So and tomorrow I'm shooting Vasaregama for early morning and 11:30 main yahan par aayi hu. I don't know, mujhe jaldi wapas bhi jana hai. So but I'm really really happy ki Sargun ne birthday bash kiya hai and Ravi Sargun dono ne, and I really love it. Sargun ke liye kitni planning ki hai, kya सरगुन एक्चुअली इस बार मैं कुछ भी गिफ्ट नहीं दे पाई सरगुन को. लास्ट बर्थडे पे मैंने बहुत ही प्रीति सा क्लच दिया था सरगुन को, विच शी लव. इस बार में अब मैं कुछ भी नहीं कर पाई, बींग सो बिजी या बींग ऑनेस्ट. आई फील रियली नाइस कि आप जैसे आपने कहा बॉयज़ मेरे लिए देखते हैं सारेगामा पा, तो नॉट ओनली बॉयज़ एक्चुअली सब, मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे, मम्मी पापा सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं. आई थिंक आई एम रियली लकी. सिंस सारेगामा पा हैज़ गॉन रियली, मतलब इट्स एक्सटेंडेड, ऑलमोस्ट एक साल हो गया हमें शूट करते करते. तो अभी मैं ब्रेक लेने वाली हूँ टीवी से, सो उसके बाद आई सी, बिकॉज दे से दैट मुझे ऐसा कहते हैं दैट आई एम वन ऑफ द बेस्ट जजेस एवर. सो आई वुड लव टू डू इट अगेन, बट देन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि बहुत अभी कुछ म्यूजिक वीडियोस की प्लानिंग है. यस 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 यस, देयर इज दिस सॉन्ग ऑफ माइंड व्हिच इज कॉल्ड कैमरे वालिया. It's my next single which is going to be out very soon. In fact, 22nd September ko aane wala hai. Kya do line mein hai? Main abhi nahi kuch suna sakti hu, I'm sorry. Sargun ke liye main yehi kahungi ki yeah, there's this beautiful song of mine, and Sargun ke liye main dil se ye gana chahungi. Mile ho tum humko bade naseebon se, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. थैंक यू. हे, दिस इज मी नेहा कक्कर. रेडियो 4 के लिसनर्स को हैप्पी दिवाली. नो प्रिपरेशन. यहाँ पे जब आते हैं बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप दारू पीने वाले हैं तो प्लीज़ ड्राइवर्स लेके आइए अपने, या फिर मत दीजिए, क्योंकि ये पार्टी में ना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज ये दे मेक श्योर कि यहाँ पे सब टली होके यू नो फुल इन्जॉय करके जाएँ. सो इट्स बीन लाइक यू नो नॉर्मली उनकी पार्टी इन चीज़ के लिए बहुत फेमस है. सो बट हम लोग फुल तैयारी से हैं कि हमारे पास हमारे ड्राइवर है. सर का ट्यूसडे है तो सर तो ड्रिंक नहीं सकते. आज बहुत गलत दिन पे पार्टी रखी गई है, क्योंकि आज ना मैं पी सकता हूँ. मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा पियक्कड़ भी नहीं हूँ कि भाई आपने मेरी वजह से पूरी पार्टी की डेट डिसाइड कर दी. आपने मतलब है ना, आदमी छोटी सी बियर मार लेता है उसके लिए आपने मंडे पार्टी रख दी कि ट्यूसडे ना पीऊँ. वो भी टाइम रखा है 12 बजे के बाद. कितने दारू बचा लेंगे भाई, कोई बात नहीं. मैं बात करूँगा सरगुन इस बारे में. मुझे लगा कि तुम बहुत चेंज हो. रवि की पार्टी है. हाँ रवि सरगुन है भाई. सरगुन मेहता क्या कंफ्यूज. नहीं, पार्टी रवि ने दी ना. अच्छा पार्टी रवि ने दी, बट सरगुन के लिए दे तो हम तो सरगुन की पार्टी है ना भाई. अच्छा प्रोड्यूसर साहब से कर जाएगा. रवि रवि से बात कर. नहीं यार नहीं, ट्यूसडे तो कल ही है यार. नहीं यार कोई नहीं. हाँ गिफ्ट बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और बहुत सारा सक्सेस उसको मिले. सारी विशेज लेके आए क्योंकि हम लोग थोड़ा गिफ्ट में बिलीव नहीं करते हैं, बट एक सरप्राइज़ है उसके लिए जो उसके घर पे उसको मिलेगा. जो है कुछ नहीं. हाँ so, क्या बात करूँ, पर पूल पार्टी है. मेरा फ़ोन वन के लिए लोग पॉलीथीन भी नहीं लेके आया. ओह शिट. अगर ये पूल पार्टी है जिसका खुलासा अभी हुआ है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फेंकने वाला हूँ, क्योंकि भाई पूल पार्टी चल रही है. बार चले वापस. नहीं नेहा भी उस हिसाब से ड्रेस. हाँ पूल पार्टी. इट्स अ पूल पार्टी. नो इट्स नॉट. या सेम है. वी आर नॉट इवन कैरिंग अ चेंज. क्या करें यार. सो वापस चलेंगे.
हाँ भाई मेरे ख्याल से तो अब तो जाते ही गिरा देंगे ऋत्विक, तो तुम्हें पता ही कैसा है। अगर आज ऋत्विक, हाँ थप्पड़ आज ऋत्विक को, हम बोल रहे हैं कि अगर इन केस अगले दिन पता चले कि ऋत्विक का गाल सूजा दिखाई दे तो ये हमारी तरफ से ही होगा। ओके ओके हाँ यार है ना, कहीं सच्ची में कोई मार दे सबको लगे हमने मारा है भाई, ऐसा कुछ नहीं, मस्ती कर रहे हैं, भाई है वो हमारा, भाई हमसे बहुत प्यार करता है, केस पढ़वा दे। हाँ बस तो सरगुन के लिए विश बहुत हैप्पी। अच्छा भाई ये तो बहुत प्यार से बोला है, इतने तरसते हुए बोला है, कर दो भाई गाना गा दो भाई भाई। हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा गाया कौन सा गाना था विश कैसे करे कौन से बर्थडे सॉन्ग? अच्छा बर्थडे सॉन्ग गाना है, ओ वो तो इजी है। हाँ हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हैप्पी बर्थडे टू यू तुम्हारे अमेजिंग स्टाफ अमेजिंग, ये प्लीज रखना बर्थडे हैप्पी भाई फोटो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आ जाऊँगा। हाँ आ जा, केवी कर ले, केवी कर दे, कर दे यार कर दे, बहुत सही लग रहा है। ही इज द क्यूटेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट लवेबल एंड द मोस्ट not respected but still okay I just quickly want to wish Sargun a very happy birthday. Happy birthday and Sargun. She's a John, she's a, you know, she's a doll and just win more film pairs absolutely yeah. And you know pass 2-3 to us also yeah and happy birthday yaar and I love you, we love you, dekho usne pair bhi todwa liya Sargun, happy birthday.